टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या क्या होती है, तो उसको हम लोग तीन पॉइंटों में जानेंगे। यह बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट का टॉपिक है जिसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, है ना। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कथन है, उसका लिमिटेशन है, उसका कुछ सीमाएं हैं, तो उसको सीमाएं को हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए, फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये जो है पहला लॉ जो है इस थर्मोडायनेमिक्स का, वह डायरेक्शन को नहीं बताता है, इंडिकेट डायरेक्शन के ट्रांसफर को यह इंडिकेट नहीं करता है, जो कि यह इसका पहला सीमाएं है, पहला लिमिटेशन है। दूसरा, और जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट हीट इज ऑलवेज फॉलोज फ्रॉम ए कोल्डर टू हॉटर बॉडी, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंडिकेट डज नॉट इंडिकेट एज व्हाई द हीट कैन नॉट फॉलोड फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। जैसे बुलेट आइस, जैसे हम जानते हैं कि हीट जो है ऑलवेज कोल्डर से हॉटर बॉडी में ट्रांसफर होता है, और यह नहीं बताता है कि यह इंडिकेट नहीं करता है कि कैसे यह ट्रांसफर होता है, इंडिकेट नहीं करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जैसे हो गया बुलेट से, आइस से, है ना, हीट ट्रांसफर होता है, तो वह इंडिकेट नहीं करता है। दूसरा है कि इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर व्हिच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू वर्क। यह पहला लॉ जो है, सेकेंड लॉ जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वह नहीं बताता है किस कंडीशन में हीट जो है वर्क में ट्रांसफ़र हो जाता है। और तीसरा इसका सीमाएं है, तीसरा इसका लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट इंडिकेट एज टू व्हाई द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल वर्क। और तीसरा है कि यह जो है मैकेनिकल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ सीमाएं, लिमिटेशन, जो कि बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू।